Hello students, let's see this question. The question says the correct order of increasing electron affinity of halogens is. Four options आपको given है. आपको halogens की increasing order में electron affinity निकली है, ठीक है? Halogens आते हैं group number 17 में. ये होते हैं fluorine, chlorine, bromine, iodine. अब इसके नीचे और भी होते हैं, वो radioactive होते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो आपको इन halogens को arrange करना है. Increasing electron affinity में electron affinity वो amount of energy होती है जो release होती है generally then जब आप एक isolated neutral gaseous atom की valence shell में एक electron add करवा देते हो उसको एक univalent anion में convert कर देते हो ठीक है तो ये energy release बहुत ज़्यादा होगी अगर atom की electron gain करने की enthalpy ज़्यादा होगी tendency ज़्यादा होगी ठीक है और tendency ज़्यादा होगी depend करता है बहुत सारे factors पे तो halogens के case में ये जो एक factor है पहले जो लगता है देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ठीक है तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी आयोडीन की सबसे कम है और साइज भी बड़ा है तो लास्ट शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड भी क्या होगा सबसे कम होगा तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी आयोडीन की होगी फिर ब्रोमीन की होगी ठीक है अब फ्लोरिन क्लोरिन में थोड़े से रिवर्स हो जाता है फिनोमेना और यहाँ पे फ्लोरिन की कम होती है क्लोरिन की ज्यादा होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो फ्लोरीन के केस में 2p में एंटर करेगा और क्लोरीन के केस में 3p में एंटर करेगा 2p का साइज बहुत छोटा है सो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं और जो कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना वो उन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को ओवरकम करने में ही कंज्यूम हो जाती है ठीक है जबकि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 3p में जा रहा है और 3p का साइज अप्रिशिएबली अच्छा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी होती नहीं है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू काफी ज्यादा आती है ठीक है सो ये ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा सो अकॉर्डिंगली आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू